नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, सीखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत कुछ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और एक चीज को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो वीडियो लेक्चर अपन 4 में बहुत सारी चीजों को यहाँ पे जानने वाले हैं। तो हम लोग अभी तक 1, 2, 3 क्रम से वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका चौथा वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए तो हम लोग यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले इंडक्टर की, किसकी बात करेंगे दोस्तों? इंडक्टर की। इंडक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेरकत्व बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को एक आइडिया होना चाहिए इंडक्टेंस का बेसिक मीन्स है क्या। तो देखिए, इंडक्टर क्या है? एक प्रकार से साधारणता कॉइल का अरेंजमेंट। क्या है? कॉइल का अरेंजमेंट। ये कॉइल इस तरीके से, ये आपका इंडक्टेंस को शो कर देता है। हमारे पास दो प्रकार के अरेंजमेंट होंगे, जैसा कि आपने पहली क्लास में देखा था, है ना। हम लोगों ने पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था कि भाई ये दो प्रकार के अरेंजमेंट कौन से होते हैं। एक तो अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसमें एक कंडक्टर लगा हो, है ना, एक कंडक्टर हो और इसके चारों ओर क्या हो, इस कंडक्टर के चारों ओर आपका इस यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हो। और एक अरेंजमेंट कैसा होता है इंडक्टर का? जिसमें एयर कॉम्बिनेशन हो। तो इस वाले पार्ट को जो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? एयर कोर्ड इंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको? एयर कोर्ड इंडक्टर। ध्यान से आप सुनेंगे एक एक चीज को बहुत अच्छे से। और इसको हम लोग बोलेंगे, इस वाले कॉम्बिनेशन को बोलेंगे आयरन कोर्ड इंडक्टर। इंडक्टर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक लीनियर को शो कर रहा है, एक नॉन लीनियरिटी को शो करता है, ठीक है। तो आप लोग सुनते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ये एयर कोड जो होता है लीनियर को शो करता है। किसको शो करता है? लीनियर को। और ये वाला किसकी श्रेणी में आएगा? नॉन लीनियर की। ये नॉन लीनियर की श्रेणी में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है एंड देन नॉन लीनियर हो जाती है। नॉन लीनियर यानी कि इसको हम बोल देते हैं, नॉन लीनियर नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन में आ जाता है। किसमें आता है? देन सैचुरेशन। तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं पाइस बाइस लीनियरिटी। क्या बोलते हैं? पाइस बाइस लीनियरिटी। पाइस बाइस लीनियरिटी। क्या बोलेंगे भैया? पाइस बाइस लीनियरिटी। अभी आपको और अच्छे से समझ में ये चीजें आएंगी, अभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे जब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी तो आप बेसिक समझें कि इंडक्टेंस में दो प्रकार की फिनोमेना होती हैं, एक तो एयर कोड इंडक्टर और एक आपका आयरन कोड इंडक्टर। जो एयर कोड होता है ये पूरे प्योर तरीके से लीनियर है, जबकि हम लोग बात करते आयरन कोड की, ये नॉन लीनियर हो जाता है क्योंकि इसमें शुरू में आपको लीनियर मिलता, फिर इसके बाद ये सैचुरेशन कर जाता है। तो इसको बोलते हैं पाइस बाइस लीनियरिटी। क्या बोलेंगे? पाइस बाइस लीनियरिटी। ठीक है सर, ये तो आपने बेसिक आइडिया हम लोगों को बता दिया। पहले नहीं पता था, कोई बात नहीं, नहीं पता था, अब अच्छा पता चल गया। यहां पर जब भी हम बात कर रहे हैं तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है आपकी? L होगी, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N है। इसमें जो करंट है वो कितनी है आपकी? I है। जो यहां पर करंट आ रही होगी वो किसी प्रकार से I आ रही होगी जो इसमें जा रही है, ठीक है। इसका अपने आप में एक एरिया होगा जिसका एरिया कितना है? A है। इसका एरिया क्या है? A है। तो हम लोग पढ़ते हैं किसी भी जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, इसमें अपने पास एक फॉर्मूला आता है L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन L। सर ये फॉर्मूला आता कैसे है दोस्तों? हम लोग अभी EMFT पढ़ेंगे, अभी EMFT पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज आपको वहां पे ड्राइव करवाने वाला हूं। वहां पे मैं आपको एक एक चीज ड्राइव करवाऊंगा कि ये चीज आती कैसे है, ये सारी चीजें आती कैसे है। वहां पे हम लोग ड्राइव करके एक एक चीजों को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कौन सी चीज कैसे आती है, क्या आती है। तो यहां पर तो अपन को इंडक्टेंस की मेन फिनोमेना पता होना चाहिए कि जब भी हम इंडक्टेंस की यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडक्टेंस ये किसके प्रोपोर्शनल होता? ये नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता, ये एरिया के प्रोपोर्शनल होता और ये आपके लेंथ ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट आपको कंठस्थ होना चाहिए।
ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कंटेस्ट होना चाहिए कि हाँ भैया नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं इंडक्टेंस। अच्छा इंडक्टेंस सर आपने फॉर्मूला बता दिया, बेसिकली है क्या ये इंडक्टेंस? ठीक है देखिए दोस्तों, इंडक्टेंस की जब भी हम बात करते हैं हमें पता है इंडक्टेंस एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। हमें बहुत अच्छे से पता है इंडक्टेंस क्या है, एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है और इंडक्टर जो होता है स्टोर करता है एनर्जी को, स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, करंट के फॉर्म में स्टोर करता है इन किसमें, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटो स्टैटिक फील्ड में ये करता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये आप बात कर रहे थे ठीक है। इंडक्टेंस एनर्जी को स्टोर करता है और किसके फॉर्म में करता है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में करता है। किसके फॉर्म में करता है, करंट के फॉर्म में करता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया था जो हमने बात करी भी थी। ठीक है, अच्छा इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे आपके रेजिस्टेंस वाले में बनते थे। मान लीजिए पहले आपके नंबर ऑफ टर्न्स 5 थे, बाद में 10 हो गए, तो बताओ इंडक्टेंस में कितना परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अच्छा जो हमने लिखा L, L बराबर है एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन L, तो यहां पर अपन से अगर कोई पूछे कि यहां पे वेरिएबल L क्या है, तो आपको पता ही है इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। नंबर ऑफ टर्न्स तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आपसे कोई पूछे कि सर म्यू का क्या होगा, म्यू का मात्रक क्या होगा, म्यू की यूनिट क्या होती, तो ये देखिए हेनरी होता है, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर कटेगा, एक मीटर, मीटर नीचे आएगा यानी कि हेनरी पर मीटर। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि यहाँ पे जो परमेबिलिटी होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी का जो मात्रक होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। हमें पता होना चाहिए कि म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू आर जो होता है इसे बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी, यानी कि सापेक्षित सापेक्षिक चुंबकीय शीलता। इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी, है ना, या सॉरी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी इन एनी मीडियम। तो ये किसी भी माध्यम में ये परमेबिलिटी होती है, किसी भी माध्यम में परमेबिलिटी होती है। अच्छा परमेबिलिटी एक ऐसा है, जिस प्रकार से इंडक्टेंस में बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी थी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस और इट इज ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर कर रहा था। इसी प्रकार से कंडक्टिविटी पढ़ा तो कंडक्टिविटी भी नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर कर रहा। इसी प्रकार से जो परमेबिलिटी भी होती है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करती है, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि ये भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये किस पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी किस पे निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये भी निर्भर करता है, ये भी किसी प्रकार से लेंथ एरिया पे निर्भर नहीं करता। परमेबिलिटी भी इंडक्टेंस में चुंबकत्व का गुण बनाने रखने के लिए, ये किसका गुण होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय बनाए रखने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, परमेबिलिटी। तो हमें म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर मिला, तो म्यू आर बराबर आप क्या बोल सकते हैं, आप म्यू आर बराबर बोल सकते हैं म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो भैया इसका मात्रक भी हेनरी पर मीटर, इसका मात्रक भी हेनरी पर मीटर, यानी कि दोनों की यूनिट हेनरी पर मीटर। तो बताइए सर म्यू आर की यूनिट क्या होगी, सर म्यू आर की यूनिट क्या होगी, इट इज अ यूनिट लेस। कैसी, यूनिट लेस। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है जो हमने आपको इंडक्टेंस के बारे में बताया। सब लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एक एक पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, समझते जाना, ये वीडियो तो आपके पास हमेशा रहने वाले हैं, ये तो हमेशा रहने वाले हैं।
इसको तो आप अच्छे से संभाल के रखेंगे, जब तक का भी आपका सब्सक्रिप्शन है, जब तक भी इसको आप लिए हो तब तक रहने वाले हैं। दिन रात आप अच्छे से बढ़िया पढ़िए, बढ़िया प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझे, ये चीज़ें आपको कोई बार बार नहीं समझाएगा, है ना। तो ये आपको जो कोर्सेस में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको आप एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग कैपेसिटेंस की। किसकी? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये क्या होता है सर? कैपेसिटेंस, ठीक है भैया, इसको देख रहा है अपन लोग, कैपेसिटेंस समझते हैं। देखिए, दो हमारे पास प्लेट हैं, जनरल हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं कैपेसिटेंस, और अभी जब ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे तो उसको और डीपली हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है। खैर, हमें तो दो आइडिया, एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ सर ये इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, ऐसे से अपने पास एक प्लेट है, ऐसी आपके पास ये भी प्लेट है, इस तरीके से हम बना देते। एक तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं। ये एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ गए। एक इसमें फिक्स्ड प्लेट होती है, एक मूवेबल प्लेट होती है। तो ये कैसी प्लेट हो गई? फिक्स्ड हो गई। और ये कैसी हो गई? मूवेबल हो गई। मूवेबल विल, है ना। इस तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं कि सर ये ऐसी हो गई, ये टर्मिनल आपका ए बोल दिया, इसको टर्मिनल को हमने यहाँ पे बी बोल दिया, इसके बीच की दूरी जो है वो डी बोल दी, है ना। इसका अपने आप में प्लेट का एरिया क्या होगा? ए होगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर एफ साइलेन ए अपॉन डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। एफ साइलेन का मतलब दोस्तों क्या होता है? एफ साइलेन का मतलब यहाँ पे होता है एफ साइलेन इक्व टू एफ साइलेन नॉट एफ साइलेन आर, जिस प्रकार से म्यू का मतलब था म्यू नॉट म्यू आर। तो सर ये आपने जो लिखा है म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ये है क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे? परमिटिविटी। इसको परमिटिविटी हम लोग बोल देंगे, परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में परमिटिविटी है। सर ये क्या है? ये है परमिटिविटी। कौन सी परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कौन सी? एब्सोल्यूट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इसे हम लोग कह देते हैं, ठीक है सर। सर इसका मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन आर का? तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर इनकी क्या होता है? रुक जाओ, घबराओ नहीं, सब बता रहे, एक एक चीज नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। तो यहां पर आपको पता है कि एरिया का जो मात्रक होता है ये मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट इसकी मीटर। कैपेसिटेंस होता है आपका फेरेड, तो मीटर से मीटर कटा, एक मीटर नीचे आया, तो एप्सिलॉन की यूनिट आ गई फेरेड पर मीटर। क्या आ गई? फेरेड पर मीटर। यानी कि परमिटिविटी की जो यूनिट होती है वो फेरेड पर मीटर होती है। कितनी होती है? फेरेड पर मीटर। तो आपको पता चल गया इसकी भी यूनिट फेरेड पर मीटर और इसकी भी फेरेड पर मीटर होती है। तो यहां पर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना आएगा? यूनिट लेस, है ना। दोनों ये कैसी है? यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस। यानी कि अगर रिलेटिव शब्द आ जाए, चाहे वो रिलेटिव परमिटिविटी हो चाहे रिलेटिव परमिबिलिटी हो, दोनों ही यूनिट लेस क्वांटिटी होती हैं। तो हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कॉपी में, है ना, नोट में। नोट क्या लिख सकते हो? नोट क्या लिख सकते हो? नोट लिखोगे आप रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या भैया? परमिया बिलिटी, बोथ आर यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी है? यूनिटलेस। यानी कि बोथ आर यूनिटलेस क्वांटिटी, दोनों ही यूनिटलेस क्वांटिटी है। कौन 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 यूनिटलेस क्वांटिटी है? रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? किसकी वैल्यू हो? एप्सिलॉन नॉट की। सर एप्सिलॉन नॉट यहां पे होता है 8.854 × 10⁻¹² फेरेड पर मीटर।
सर आपने पिछले वाले में हमें म्यू नॉट की वैल्यू नहीं बताई थी। ठीक है भैया, पिछले वाले में बता दे रहे, यहाँ पे समझ लीजिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी पिछले वाले में। पिछले वाले में अगर म्यू चाहिए अपन को म्यू नॉट, तो यहाँ पे म्यू नॉट होता है म्यू नॉट इक्वस टू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। सब लोग अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेंगे जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो म्यू नॉट इक्वस टू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, इसको हम लोग लिख लेंगे म्यू नॉट इक्वस टू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, है ना। ये ऐसे हम लोग लिख लेंगे म्यू नॉट इक्वस टू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस जो आपने लिखा सर सी बराबर, तो ये किस किस पे निर्भर कर रहा है। कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड ऑन द एरिया एंड इट इज डिपेंड ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। ये दो प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर भी करता है, लेकिन इधर पे क्या होगा, यहां पे जब भी बात करेंगे, यहां पे जब भी बात करेंगे तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दो प्लेटों के बीच की दूरी के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। समझ में आ गई बात, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट। ये दो प्लेटों के बीच की दूरी कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई इस बात सबको, ये छोटी छोटी चीजें हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा सर, परमिटिविटी आपने बताई थी, परमिटिविटी का क्या है, परमिटिविटी आपने बताई थी एप्सिलॉन, ये किस पे निर्भर करती है, तो भैया इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये भी किस पे निर्भर कर रही, नेचर ऑफ मटेरियल, ये किसी एरिया लेंथ पे निर्भर नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ, ये एरिया लेंथ पे निर्भर नहीं करती है। तो आपको ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से अब तो क्लियर हो गया कि हाँ सर आपने अच्छे से बता दिया कि जो परमिटिविटी होती है, यानी कि इसको बोल रहे वैद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी, क्या बोल रहे परमिटिविटी, ये परमिटिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करती है, ये किसी एरिया लेंथ पे निर्भर नहीं करती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बहुत अच्छे से, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करेंगी, ये किसी एरिया लेंथ पे निर्भर नहीं करेंगी। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दोस मटेरियल। समझ में आ गई बात, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कौन है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, इंडक्टेंस की कौन है परमिएबिलिटी, कैपेसिटेंस की कौन है परमिटिविटी। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है किसी एनर्जी को स्टोर किसके फॉर्म में करता है, कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी, एक कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पे हम लोग नोट लिख सकते हैं क्या, कि कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, वोल्टेज, इन किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है वोल्टेज के फॉर्म में। हम लोग पढ़ते हैं ना ई बराबर क्या पढ़ते हो आप, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, अभी पढ़ा भी था हमने पिछली क्लास में, है ना। तो आपको ये एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। तो हमने बात कर ली भैया पूरी इंडक्टर की, पूरी बात कर ली कैपेसिटर की, समझ में आ गई अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी की भी बात कर ली थी, ये अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और अरेंजमेंट की बात करेंगे, ध्यान से आप लोग मेरी बात को समझेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ आर कॉमा एल एंड सी फॉर्मूला क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ आर एल सी फॉर्मूला, बहुत बड़ा रोल है इनका, बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बढ़िया नोट करेंगे अच्छे से, ए टू जेड कॉपी में नोट करेंगे, हम लोग सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाएंगे, नोट करते चलो पढ़ते चलो। आर एल सी की बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर रजिस्टर है,
क्या है भैया? रजिस्टर। सबसे पहले रजिस्टर ही लेते हैं हम जब भी पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं। क्या है? रजिस्टर। तो किसी रजिस्टर में, बार बार रेड पेन आ रहा है, चलो रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर की बात करें तो भैया रजिस्टर आपको पता है इस तरीके का बनता, रजिस्टर ऐसा बनता। इसमें करंट कितना है? आई है। इसमें करंट कितना है? आई है। इसमें दिया जाने वाला वोल्टेज क्या होगा? अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाएं तो भैया इसमें वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज वी होगा। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, तो ये तो जैसे हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है इतनी सी बात। अब ध्यान से समझना कंसेप्ट। कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इतना सा है कि आपको फॉर्मूला पता है वी बराबर आई आर, और आई बराबर होता है अपने पास वी अपॉन आर, है ना? ये तो अपन को पता है। तो जरा हम लोग देखते हैं इंडक्टर क्या है। इंडक्टर में, इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर इंडक्टर हम लोग समझें तो भैया इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ये और बताइए जरा। तो इंडक्टर में क्या होता, ये कॉइल है और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई एक आई करंट फ्लो हो रहा होगा। इस इंडक्टर की वैल्यू एल है और यहां पे दिया जाने वाला जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा अपने पास? बी होगा। तो सर ये वोल्टेज होता कितना है ये निकालना, बिल्कुल बता रहे हैं हम, ये वोल्टेज होता कितना है? ये वोल्टेज होता है वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। बी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। सर बी बराबर एल डी आई बाई डी टी, यस। आई बराबर वन अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी। तो अगर हमें करंट दिया गया है, वोल्टेज निकालना है, तो आप ये फॉर्म लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला B बराबर एल डी आई बाई डी टी, और वोल्टेज दिया है करंट निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे I बराबर वन अपॉन एल इंटीग्रेशन बी डी टी, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आना चाहिए, B बराबर एल डी आई बाई डी टी और I बराबर वन अपॉन एल इंटीग्रेशन बी डी टी। इसी प्रकार से सर बात करें कि कैपेसिटर की, ठीक है, कैपेसिटर में क्या होगा? कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसा बनेगा? ध्यान से सुनेंगे जरा एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे। ये है कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में हम लोग क्या देंगे? इसमें भी हम लोग वोल्टेज वी अप्लाई कर देंगे, इसमें भी वी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और इसमें करंट क्या आएगा? आई। तो यहां पर अपने पास एक ओवरऑल अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो कितना हो जाएगा? B बराबर 1 अपॉन C इंटीग्रेशन I डी टी, है ना? और I बराबर सर क्या फॉर्मूला होगा? I बराबर होता है भैया C dV बाई डी टी। ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो हमने बोला कि भाई किसी रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। रजिस्टर में नॉर्मल V बराबर आई आर होता है, I बराबर V अपॉन R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम का पालन करता, ये दोनों ओमिक हो जाएंगे यानी कि ओम्स के नियम का पालन कर रहे हैं। इंडक्टर में हो तो B बराबर L di by dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर निर्भर कर रहा है, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। I बराबर 1 अपॉन L इंटीग्रेशन B dt होता है। तो सर ये ऐसा क्यों नहीं करते, I बराबर B अपॉन L क्यों नहीं करते, इंटीग्रेशन क्यों लगाते? भैया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। कैसे हैं? एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, डिफरेंशिएशन मतलब हम किसी चीज़ को चार्ज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में इंटीग्रेशन का मतलब चार्ज कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन का मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शो करते, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट इज ओनली द कॉन्फिग्रेशन एंड वेरिएबल फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए यूज किए जाते, बस समझ में आ रही बात की नहीं? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में यूज होते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये फॉर्मूले आपको कंटेस्ट होना चाहिए कि अगर वोल्टेज दे रहा है तो करंट क्या होगा, करंट दे रहा है तो वोल्टेज क्या हो रहा है, तो बी बराबर वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी, आई बराबर सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपन ने पढ़े रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए। इसको समझ लो, नोट करते चलो कॉपी में, बहुत अच्छे से नोट करते चलो, बिल्कुल बेसिक्स बेसिक चीज़ें हैं जो अपन को पता होना चाहिए। नोट डाउन,
है ना, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो ये बेसिक एलिमेंट की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ आरएलसी, बस यही था कॉन्सेप्ट ऑफ आरएलसी, यही था कॉन्सेप्ट ऑफ आरएलसी कि भाई हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। अभी तो आगे बात करेंगे एसी सर्किट पे रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एसी में इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे एक चीजों को, ठीक है ना। ये हो गया ठीक। तो भैया ठीक है, इतनी सी चीज पता चल गई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। अब हमारे पास कुछ वैरायटी है सिग्नल की, ठीक है। एक बेसिक सा अरेंजमेंट समझेंगे कि अपने पास वैरायटी है सिग्नल की, एक है पी टाइप का, एक है एयर टाइप का, एक है एस टाइप का, एक है आई टाइप का। ये अपने पास यहाँ पे चार प्रकार के बेसिक सिग्नल हैं, ठीक है, चार प्रकार के बेसिक सिग्नल हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पैराबोलिक सिग्नल। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक सिग्नल। ध्यान देना जरा, कौन सा सिग्नल? पैराबोलिक सिग्नल। इसको हम लोग बोलते हैं रैंप सिग्नल। क्या बोलेंगे? रैंप सिग्नल। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप सिग्नल। क्या बोलेंगे? स्टेप सिग्नल। और इसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स सिग्नल। क्या बोलेंगे? इम्पल्स सिग्नल। इसको इम्पल्स सिग्नल हम लोग बोल देंगे। तो अपने पास ये चार प्रकार के सिग्नल है। थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं इनका मतलब क्या है। अब इनका मतलब जरा आप समझिए, इनका मतलब समझें। देखिए रैंप सिग्नल का मतलब तो ये होता है, इस प्रकार का सिग्नल होता है एक ऐसा, है ना, जिसका मतलब होता है टी यू टी। अब ये होता कैसे ही? अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसके साथ चलते जा रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं, समझते चलें। ये लाप्लास का टॉपिक है, लाप्लास पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। टी यू टी स्टेप की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, ये सिग्नल आपका इस प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल यू टी। क्या बोलते हैं भैया? यू टी। इसको हम लोग नॉर्मल यू टी बोल देते हैं। इम्पल्स सिग्नल कैसा होता है? नॉर्मल आपको यहाँ पे इम्पल्स मिलता है ना, क्या मिलता है? इम्पल्स। इसे हम डेल टी से डोनेट कर देते, किससे? डेल टी से। तो ये आपका यू टी हो गया स्टेप सिग्नल, ये आपका डेल टी हो गया इम्पल्स सिग्नल, ये आपका टी यू टी हो गया। एक होता है आपका पैराबोलिक सिग्नल। सर पैराबोलिक कैसा होता है? इस तरीके का। इसका मतलब क्या होता है? टी स्क्वायर अपॉन टू यू टी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे टी है, यहाँ टी हट गया, यहाँ डेल टी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भैया इसी ट्राइंगुलर, इसी जो बनना ना रैंप सिग्नल, इससे कौन सा सिग्नल मिलता है अपन को? ट्राइंगुलर। इसे बोलते हैं हम लोग जिग जैग सिग्नल। क्या बोलते हैं? जिग जैग। अभी आगे डिस्कस करेंगे। इससे आपको इस तरीके का सिग्नल मिलता, ऐसा है ना, ऐसा सिग्नल आपको मिलेगा। ये इंपल्स है इस तरीके का, ठीक है सर, आपने बता दिया ऐसा सिग्नल मिलेगा। अच्छा सर और सिग्नल नहीं मिलते क्या? बिल्कुल मिलते हैं, देखो किस प्रकार के सिग्नल। तो अगर ऐसा सिग्नल मिल रहा है इस तरीके का, स्क्वायर हो गया, एक ऐसा भी सिग्नल मिल सकता है आपको इस तरीके का, तो ये भी किस में मिलता है आपको? ये भी स्टेप में मिलेगा। किस में मिलेगा? स्टेप में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं आपके लिए थोड़ा सा अलग अलग, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितने प्रकार के सिग्नल है? ये चार प्रकार के, एक तो पैराबोलिक सिग्नल, एक रैंप सिग्नल, एक स्टेप सिग्नल, एक इंपल्स सिग्नल। ये चार प्रकार के होते हैं। पैराबोलिक को हम इस प्रकार से बनाते हैं, रैंप को ऐसे बनाते, स्टेप को ऐसे बनाते, इंपल्स को ऐसे बनाते। रैंप का ही जो एक ओवरऑल फंक्शन है वो इस प्रकार से होता है, इसी को हम लोग ऐसा ही बनाते। ट्राइंगुलर वेव अपनी ऐसी भी होती है, ये भी आपकी ट्राइंगुलर वेव है ना, ये ट्राइंगुलर बोलते हैं, है ना। इसमें अपन लोग किसका यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर वगैरह भी इसमें आ जाता है। तो कुल मिला के अगर जिग जैग वेव है, जिग जैग, या ट्राइंगुलर वेव है, कैसी है? ट्राइंगुलर। तो इस वेव को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैंप सिग्नल, है ना। क्या बोलते हैं? रैंप सिग्नल। ये रैंप सिग्नल देता है, रैंप सिग्नल मतलब क्या देता है अपन को? टी यू टी देता है। अगर स्क्वायर वेव आ जाए, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव या फिर रेक्टेंगुलर वेव। क्या बोला मैंने? स्क्वायर वेव या फिर रेक्टेंगुलर वेव। तो
तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्टेप सिग्नल में, किस में आएगा स्टेप सिग्नल। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव अपन को मिलती है, ये आपका स्क्वायर सिग्नल कहलाता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के सिग्नल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ऐसे याद कर लोगे परसी। कैसे याद करोगे परसी, एक फॉर्मूला है कि हम लोग इसे बोल देते हैं परसी, क्या बोलेंगे परसी, क्या बोल देंगे भैया इसको बोल देंगे परसी, परसी, परसी। आप छह सात बार इसको बोलेंगे परसी को तो ये आपको याद हो जाएगा परसी 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 परसी। आप परसी याद कर लें बस, पैराबोलिक रैंप स्टेप इंपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैराबोलिक सिग्नल का डिफरेंशिएशन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो पैराबोलिक सिग्नल का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो रैंप सिग्नल प्राप्त होगा। रैंप का डिफरेंशिएशन करने पर कौन सा मिलेगा स्टेप, स्टेप का डिफरेंशिएशन करने पर कौन सा मिलेगा इंपल्स। इसी प्रकार से जस्ट अगर उल्टा कर दें कि इंपल्स का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो कौन सा मिलेगा स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप, रैंप का इंटीग्रेशन पैराबोलिक, तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन और ये क्या हो गया अपना डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन, इसे क्या बोल देंगे डिफरेंशिएशन। ये अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो पेपर में आता है कि किसी रैंप से ऑन इंटीग्रेटिंग द रैंप सिग्नल इज कॉल्ड, कि रैंप सिग्नल का अगर इंटीग्रेशन करें तो कौन सा सिग्नल मिलेगा पैराबोलिक सिग्नल, डिफरेंशिएटिंग द रैंप सिग्नल इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल, डिफरेंशिएटिंग द स्टेप सिग्नल इज कॉल्ड इंपल्स सिग्नल, है ना, इंपल्स का भी अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो कौन सा मिलेगा, अगर इसका भी हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका भी अगर डिफरेंशिएशन कौन सा मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल, क्या मिलेगा डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल, जैसे हम लोग डेल डैश टी से डोनोट करते हैं, किससे डोनोट करते हैं डेल डैश टी, इसे हम डेल डैश टी से डोनोट कर देते दोस्तों, किससे डेल डैश टी, और डेल डैश टी का मतलब बेसे होता है, डेल डैश टी का मतलब होता है इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कैसा होगा इनफाइनाइट, कैसा होगा इसका एम्पलीट्यूड आपका इनफाइनाइट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके एम्पलीट्यूड कैसा होगा इनफाइनाइट, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, एम्पलीट्यूड कैसा होगा इनफाइनाइट होगा, किसका होता है एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट, ये एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल का, किसका डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल, डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल, डायरेक्ट इंपल्स सिग्नल का होगा। ठीक है, तो अपन को ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले को याद कर लें परसी, कि पी का डिफरेंशिएशन करेंगे रैंप, रैंप का करेंगे स्टेप, स्टेप का करेंगे इंपल्स। ठीक है, तो अपन को ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसको नोट करें कॉपी में सभी लोग। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा सबने, सबने नोट कर लिया होगा भैया, है ना। ठीक है, ये अपन को याद होना चाहिए। चलो, तो हम लोग आपने नोट कर लिया इसको। अब देखो, ये जो हमने अभी कंडीशन बताई थी, इस कंडीशन को समझना सभी लोग सामने। ठीक है, ये जो हमने अभी आपको फॉर्मूले बताए, ध्यान से देखना, अभी जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, अब इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या ध्यान से देखना, कि मैंने आपसे बोला कि बी बराबर एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन, क्वेश्चन इरेज होता है यहां पे। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन निकलता है यहां से, क्वेश्चन ये निकलता है इफ द करंट ऑफ इंडक्टर, करंट ऑफ इंडक्टर कैसा है, करंट ऑफ इंडक्टर किसका इंडक्टर, किसका करंट इंडक्टर का करंट, इफ द करंट ऑफ इंडक्टर इज ट्राइंगुलर, कैसा है ट्राइंगुलर है, करंट ऑफ इंडक्टर इज ट्राइंगुलर, किसका इफ द करंट ऑफ इंडक्टर, ये ट्राइंगुलर किसका है ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर, सो वोल्टेज विल बी, वोल्टेज विल बी, वोल्टेज कैसा होगा पैराबोलिक होगा, ट्राइंगुलर ही रहेगा, स्क्वायर वेव होगा, इस पर इंपल्स होगा, तो अपन को पता है कि B बराबर क्या होता है एल डी आई वाई डी टी, यही तो होता है। तो अपन को पता है V बराबर है L और डी आई वाई डी टी, यानी करंट कैसा है, करंट कैसा है ट्राइंगुलर है, करंट कैसा है ट्राइंगुलर। तो हमें ये बताओ, डिफरेंशिएशन अगर अपन ट्राइंगुलर का करते तो कितना आता है,
अगर ट्राइंगल का डिफरेंशिएशन करते हो भैया तो क्या आता है, परसी पढ़ाया आपने कि नहीं, परसी डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना मिलता है, परसी करते हो, पर सी एस एस स्टेप सिग्नल, स्टेप मतलब स्क्वायर सिग्नल, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर सिग्नल, कैसा हो जाएगा स्क्वायर सिग्नल। आ गई बात समझ में कि नहीं, समझ में आ गई सबको, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है, सोचो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया आई बराबर सी वी वोल्टेज, ये आपको ये वाला फॉर्मूला दे दिया कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपका रैंप सिग्नल है या ट्राइंगुलर है, वोल्टेज ट्राइंगुलर है किसमें, कैपेसिटर में, किसी कैपेसिटर में जो वोल्टेज है ये ट्राइंगुलर सिग्नल है तो इसमें आने वाला करंट कितना आएगा। तो अगर वोल्टेज आपका ट्राइंगुलर है, वोल्टेज ट्राइंगुलर है तो यहां पर करंट कैसा हो जाएगा, आपको पता है ट्राइंगुलर परसी, उसका डिफरेंशिएशन करो तो कैसा मिलेगा, स्टेप सिग्नल मतलब स्क्वायर सिग्नल, कैसा मिलेगा स्क्वायर सिग्नल, ये स्क्वायर सिग्नल आ जाएगा, है आसान। इसी प्रकार से आपका लिखा है v बराबर एल डी आई बाई डी टी, बी बराबर एल सॉरी v बराबर वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर ये रैंप सिग्नल है, कौन सा रैंप सिग्नल है, अगर करंट आपका रैंप सिग्नल है तो कह रहा है ये कैसा होगा, वोल्टेज कैसा होगा, किसी कैपेसिटर में जो करंट है वो रैंप सिग्नल है तो इस कैपेसिटर में वोल्टेज कितना आएगा। तो आपको पता है इंटीग्रेशन करना है तो रैंप का जस्ट पीछे की तरफ पैराबोलिक, यानी कि ये कैसा होगा पैराबोलिक, कैसा होगा पैराबोलिक सिग्नल होगा, कैसा होगा पैराबोलिक सिग्नल होगा, बस इतना सा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आ गया आई बराबर वन अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी है, अगर ये बोल दिया कि वोल्टेज जो है ये वोल्टेज आपका इंपल्स सिग्नल है, कैसा बोल दे, वोल्टेज कैसा है इंपल्स सिग्नल है, इंपल्स वोल्टेज इंपल्स सिग्नल है, तो बताओ करंट कैसा होगा, ये पूछ लिया। तो अपन को पता है कि फॉर्मूला अपन ने पढ़ाई है कि अगर ये इंपल्स है तो ये कैसा होगा, अगर ये इंपल्स है तो ये कैसा होगा, अपन को पता है इंटीग्रेशन करना तो स्टेप सिग्नल बनेगा, स्टेप में या तो स्क्वायर लिखा होगा रेक्टेंगुलर, तो आंसर स्क्वायर ही ज्यादातर होता है ऑप्शन में, स्क्वायर सिग्नल, ये कैसा हो जाएगा स्क्वायर सिग्नल। कठिन है क्या, बताइए बताइए कठिन है क्या। तो हमने ये सब जो चीजें पढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो अपन को ये चीजें अच्छे से आना चाहिए। तो अगर अपन को परसी पढ़ लिया अपन ने तो ये चीजें आप समझ लोगे, अगर अपन ने परसी यहां पे समझ लिया है तो ये चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाती हैं, ठीक है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसी प्रकार से हमने दे दिया आपको, मान लीजिए बी बराबर है ना वन अपॉन एल इंट्रीगेशन आई डी टी, और आपसे बोल दिया यहाँ पे कि बताइए भैया, बताइए कि यहाँ पर ये रैंप सिग्नल है। अच्छा ऐसा तो हम कर चुके, ऐसा तो हम कर चुके शायद, है ना, तो हाँ कर चुके। तो अगर मान लीजिए ये आपका सिग्नल है इम्पल्स, कैसा सिग्नल है इम्पल्स, अगर ये इम्पल्स सिग्नल है तो बताओ, हमें बताइए कि ये कौन सा सिग्नल होगा वोल्टेज का, इम्पल्स इंटीग्रेशन कर रहे कौन सा होगा स्क्वायर सिग्नल, स्क्वायर सिग्नल। तो जैसा अभी पिछला वाला किया हमने, ये आप देख पा रहे होंगे छोटा सा दिख रहा आपको, है ना, नोट करते जाना है इसको एक एक चीज को, ठीक है, इस तरीके से हम लोग आसानी से करेंगे। पहले हमने क्या लिया था, I बराबर C वन अपॉन सी इंट्रीगेशन वी डी टी के फॉर्म में था, अब ये इसके फॉर्म में आ गया तो क्या दिक्कत है, ये गलत लिख दिया मैंने फॉर्मूला जल्दी में, क्या है v बराबर वन अपॉन सी इंट्रीगेशन आई डी टी, है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, और I बराबर होता है वन अपॉन एल इंट्रीगेशन वी डी टी, तो ये याद रखना है ना, कैपेसिटर के फॉर्म में था तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, ठीक है। तो आ गया होगा सबको समझ में, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ आज हमने बताई आपको, डिस्कस करी इस वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग को बेसिक रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बारे में पता चल गया, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में समझ गया, आप परसी समझ गए, आप समझ गए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इस, या आपको बेसिक फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए, कंठस्थ आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।